इंडिया के विमान का हाइड्रोलिक फेल, कोची एयरपोर्ट पर पूर्ण आपात स्थिति घोषित। एयर इंडिया एक्सप्रेस के एक विमान में तकनीकी खराबी आने के बाद विमान की इमरजेंसी लैंडिंग की गई। जानकारी के मुताबिक विमान के लैंड होने से ठीक पहले ही हाइड्रोलिक ने काम करना अचानक बंद कर दिया, जिसके कारण 29 जनवरी रविवार की रात कोची हवाई अड्डे पर पूर्ण आपात स्थिति घोषित की गई। बता दें कि ये विमान शारजाह से कोची जा रहा था। सभी यात्री सुरक्षित। एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान IH-412 में 183 यात्री और चालक दल के 6 सदस्य सवार थे। एयर इंडिया के प्रवक्ता ने सभी को सुरक्षित बताया है। कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड CIAL के एक प्रवक्ता ने बताया, रविवार रात 8:54 पर कोची एयरपोर्ट पर पूर्ण आपात स्थिति घोषित कर दी गई, लेकिन किसी भी रनवे को रोका नहीं गया और न ही किसी भी उड़ान का डायवर्जन किया गया। प्रवक्ता ने आज बताया कि रात 8:36 पर आपात स्थिति के आदेश को वापस लिया गया और हवाई परिचालन को सामान्य घोषित किया गया, सुरक्षित लैंड कराया गया विमान। एयर इंडिया एक्सप्रेस के एक प्रवक्ता ने एक बयान में बताया कि विमान निर्धारित समय 8:26 पर लैंड किया गया था और पायलट ने हवाई यातायात नियंत्रण ATC को आपात स्थिति की सूचना नहीं दी। प्रवक्ता ने कहा कि पायलट ने हाइड्रोलिक प्रेशर सिस्टम में उतार चढ़ाव देखा था, इसके बाद ATC को सूचित किया गया। विमान में तकनीकी खराबी। इससे पहले 29 जनवरी को ही कोलकाता के लिए उड़ान भरने के तुरंत बाद एयर एशिया के एक विमान की लखनऊ हवाई अड्डे पर आपात लैंडिंग की गई। हवाई अड्डे के एक अधिकारी ने ANI को बताया, विमान I-5-319 के पक्षी से टकराने के बाद एयर एशिया की फ्लाइट वापस लखनऊ हवाई अड्डे पर लौट आई। विमान को सुरक्षित उतारा गया और सभी यात्री भी सुरक्षित हैं।